बाड़मेर में प्लांट लवर्स द्वारा 6 और 7 अप्रैल को आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के बैनर का विमोचन मंगलवार को जिला कलेक्टर निशांत जैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानी चामी ने किया। वहीं स्टिकर पोस्टर का विमोचन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजीव मित्तल ने किया। स्थानीय शिवमुंडी स्थित माँ सती दाक्षायणी मंदिर में लगने वाली प्रदर्शनी में 400 से अधिक प्रजाति के पौधों एवं उसके रखरखाव की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। बाड़मेर में प्लांट लवर द्वारा 06 व 07 अप्रैल को आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के बैनर का विमोचन मंगलवार को जिला कलेक्टर निशांत जैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानी चामी ने किया। वहीं स्टिकर पोस्टर का विमोचन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल ने किया। स्थानीय शिव मुंडी स्थित माँ सती दाक्षायणी मंदिर में लगने वाली इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक प्रजाति के पौधों एवं उसके रखरखाव की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। संस्था के आनंद महेश्वरी ने बताया कि बाड़मेर जिले में इस तरह की ये पहली प्रदर्शनी होगी जो बाड़मेर के वातावरण में पनपने वाले पौधों एवं औषधियों की पूरी जानकारी प्रदान करेगी। नवपल्लव के नाम से आयोजित होने वाली प्रदर्शनी को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार के फूलों से लेकर घरों में सब्जी उगाने के साथ साथ औषधियाँ जो सामान्य बीमारियों में घरों में आसानी से काम आ सके का समावेश किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि निसंदेह इस तरह की प्रदर्शनी लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा एवं सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व तो है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिद्धार्थ पलानी चामी ने कहा कि इस आयोजन के साथ मतदान जागरूकता को शामिल करना तारीफ के काबिल है। संस्था युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए ये टीम धन्यवाद की पात्र है। इस अवसर पर संस्था के वासुदेव जोशी ने जिला कलेक्टर सीईओ पलानी चामी को गणेश अग्रवाल एवं एडवोकेट मनीष शर्मा ने पौधा भेंट किया। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल ने स्टिकर पोस्टर का विमोचन करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। सीएमएचओ को पौधा कैलाश कोटड़िया और नीरज जोशी द्वारा भेंट किया गया।